Sunny will be here in about 10 to 15 minutes. आप उनका वेट करेंगे या शुरू करें? Are you sure? वो क्या बेटर रहेगा पुलिस पूरी यूनिट एक साथ रहेगी जस्ट गोना चेंज थोड़ी देर चाय वाय पियो ना यार वही मैं आर यू श्योर बीच में कैसे करोगे आप आना जाना चलो ठीक है आपकी जैसे मर्जी 10 मिनट की तो बात है फिर एक साथ कर सकते हैं एसी में बैठे हो चाय वाय पियो क्या तकलीफ है कौन सा किधर जाना है क्या अच्छा कितने बजे तो फिर चाय पियो इधर खाना चाय पिलाओ बहुत बहुत शुक्रिया आप सब आए हैं इधर हमारी फिल्म को सलील जी बैठिया हनी भाई आप शुरू करें अच्छा अभी सब साइलेंस एवरीवन प्लीज गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर इट्स मींस अ लॉट टू ऑल ऑफ अस एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारी फिल्म की शुरुआत है और आज हमारा सेकंड डे है एंड आप लोग सब आए हैं हमारे को ब्लेसिंग्स देने के लिए थैंक यू वेरी मच हमको आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का एनकरेजमेंट हमेशा अच्छा लगता है मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ बैठे हैं राजीव जी बैठे हैं हमारे प्रोड्यूसर यहाँ बैठे हैं अमन जी एंड विजय मेहता एंड हमारे दूसरे मेन मैन उधर हनीफ भाई बैठे हैं और बाकी सारे हमारी जो कास्ट हैं ओके दे ऑल हियर एंड भाग्यश्री फिल्म बैनर है इनकी पहली फिल्म है तो हम इनको मुबारकबाद देना चाहते हैं ये एक म्यूजिकल रोमांटिक थ्रिलर है एंड इसमें ऑफकोर्स द गॉर्जियस स्टनिंग ब्यूटिफुल लवली सनी लियोन है एंड पता नहीं मेरे चेहरे से आपको समझ में आया होगा कि मैं कितना बाकी अभी मेरे बोलने मैं तो बहुत बोलना चाहता हूँ लेकिन पहले हम अपने डायरेक्टर साहब को देंगे माइक और वो कुछ कहेंगे आपसे हेलो हेलो तेरा इंतजार एक म्यूजिकल रोमांटिक थ्रिलर है और ये भाग्यश्री फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड बैनर के जिनके प्रोड्यूसर है मिस्टर विजय मेहता और मिसेस अमन मेहता मैं इनको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पे फेथ रख के ये फिल्म स्टार्ट की एंड ऑफ कोर्स अ बिग थैंक टू सनी लियोनी एंड अरबाज एंड ऑल माय टीम हनीफ छतरीवाला जी जिन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट में मिलाया हनीफ नोएडा जी इकबाल भाई इकबाल सुलेमान जी जो प्रोडक्शन डिजाइनर है मुदस्सर अनवर जो मेरे स्टोरी राइटर है फिर कीर्ति कॉस्ट्यूम डिजाइनर रिचा शर्मा जो वन ऑफ द सनी की सिस्टर प्ले कर रही है फिर सुधा जी हु इज प्लेइंग वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द फिल्म फिर बाली देन आर्य बब्बर सलील रघुवा ऑल प्लेइंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द फिल्म Gaur Khan, he is playing one of the main villain in the film. And special thanks to, of course, Vijay Mehta ji and Aman Mehta ji. Special thanks to media also. Media, to we are always thankful to media. And sorry for the delay because thoda humko short cut aaya hai.
मेरी गलती थी सॉरी अभी आपको जिस देखो जिसका इंतजार था तेरा इंतजार आप चाहते हैं कि माइक इनके हाथ में आए थोड़ा डिले करें या थोड़ा अभी दे दें let me give it to her right now sunny they're all excited to hear from you I don't know about that first of all thank you everybody for coming out today sorry for making you wait we were in the middle of a shot doing something that I've never done before. So I did completely shower, wash my hair, and then come out. I'm so sorry. And we're all really, really excited about this film. It's our second day. And I'm so khush hai naya film hai. And koshish karenge that we'll make a very, very nice film for all of you to watch. And thank you again for coming. Aman ji ke liye main bolunga. Jab main first time bach gaya Aman ji aur Vijay ji ko milne तो विजल जी ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि राजीव मुझे ये फिल्म मेरा अपना बैनर खड़ा करना है तो मुझे एक अच्छी फिल्म बना दो तो मुझे वो उनकी बात अच्छी लगी थी और अमन जी बहुत क्रिएटिव प्रोड्यूसर है मुझे हमेशा सजेशन देते रहती है व्हाट्सएप पे उनके मैसेज आते रहते हैं ये कॉस्ट्यूम पहना इस तरह से करो तो मुझे वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है विजल भाई मुझे लगता है अगर ये फिल्म अच्छी बन बन जाएगी लेकिन अगर ये फिल्म प्रॉपरली हिट हो गई तो विजल भाई विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर बिकॉज ऑफ हिज पैशन और मैंने उनका पूरा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट देखे फार्म हाउसेस देखे उनको बहुत शौक तो फिर भी वो शौक नहीं बता रहे बिजनेस के लिए थैंक यू उससे पहले थोड़े से पागल हो जाएंगे लेकिन आप लोगों को सवाल पूछना है आप प्लीज रानी जी पिक्चर में आप कोई बोल्ड सीन है सीक्रेट गाना है जिसमें आप लड़का बनते हैं तो कोई गाना है जिसमें आप नहीं 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 सही हमने सुना है कि एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है आप उसके बारे में कुछ बताएंगे आप वो बाद में बताऊंगी ना वी मीट एवरी वीक यू कैन आस्क मी दोस क्वेश्चंस एंड आस्क मी अबाउट द मूवी ये फिल्म हेलो ये स्क्रिप्ट है ना ये एक म्यूजिकल रोमांटिक थ्रिलर है और इस स्क्रिप्ट में आप हर 5 मिनट के बाद आपको झटके मिलेंगे और ये 2 घंटे तक चलेगा एंड सनी इज प्लेइंग अ वेरी डिफरेंट रोल इन द फिल्म लाइक एंड शी इज वेरी पैशनेट अबाउट द स्क्रिप्ट राइट सनी एंड शी इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन द स्क्रिप्ट सेम विद अरबाज ही इज रियली वर्किंग आउट ऑन द स्क्रिप्ट एंड यू विल सी अ डिफरेंट सनी एंड अरबाज इन तेरा इंतजार जब मैंने हम लोग ने जब स्क्रिप्ट लिखना अनवर मेरे स्टोरी राइटर वहाँ बैठे हुए जब मैंने अनवर ने स्क्रिप्ट पे 4 महीने लगाए करेक्ट अनवर डे नाइट बैठ के हम लोग ने काम किया तो जब फर्स्ट टाइम जब मैंने लाइंस की क्रिएट की थी स्टोरी लाइन तो मैंने अमन जी हनीफ नोएडा जी है इकबाल भाई विजल भाई तो मेरे दिमाग में कोई और आर्टिस्ट था बिकॉज बहुत परफॉर्मेंस बेस्ड रोल था ये तो मेरे प्रोड्यूसर्स ने अमन जी ने मुझे बोला और हनीफ भाई ने और इन लोग सब ने बोला कि हमें सनी चाहिए तो मैंने बोला आर यू श्योर सनी के साथ ये फिल्म करनी है बिकॉज ये डिफरेंट जॉनर की फिल्म थी इमोशनल बेस्ड फिल्म थी तो मैंने बोला सनी के साथ करना है तो बोला उन्होंने बोला हमें सनी लियोन ही चाहिए मैंने बोला ठीक है अभी ये सनी के साथ करेंगे एंड सनी विल बी सरप्राइज इन द वेल यू आर राइट मैंने अपनी पहली फिल्म दरार की थी दरार में थोड़ा सा एक वो भी एक रोमांटिक थ्रिलर ही थी एक किस्म की थोड़ी सी ज़्यादा वायलेंट फिल्म थी मतलब मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर था इसके अंदर इतना मतलब नेगेटिव कैरेक्टर नहीं बट ये एक थ्रिलर फिल्म जॉनर में एक थ्रिलर फिल्म की जो बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि थोड़ा सा उसकी जो कहानी अलग होनी चाहिए उसके अंदर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होने चाहिए वो इतने प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए क्योंकि एक मिस्ट्री फिल्म के अंदर हमेशा कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक ऑडियंस को नया लगे कुछ वो गेस नहीं कर पाए कुछ चीज़ें और ज़्यादातर अगर आप नोटिस करोगे कोई भी रोमांटिक कोई भी थ्रिलर फिल्म होती है उसके अंदर म्यूज़िक और हल्का सा रोमांस होना बहुत ज़रूरी है तो आप सारी मुकेश भट्ट और महेश भट्ट की फिल्में भी आप देखो जो काफ़ी एक रोमांटिक थ्रिलर्स बनाते हैं उनके गाने बड़े अच्छे होते हैं टचवुड हमारी फिल्म के अंदर भी वही स्कोप है जैसे उन्होंने कहा कि रोमांटिक थ्रिलर पहले उन्होंने रोमांस बात किया था म्यूज़िकल बात किया था एंड देन ही सेड इट्स अ थ्रिलर एंड अ सस्पेंस फिल्म तो वी हैव गॉट फॉर्चुनेटली वेरी गुड म्यूजिक इनफैक्ट हमारी पहले दिन का जो काम है वो एक गाने से ही शूट कर रहे हैं हम बिकॉज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर म्यूजिक एंड द सॉन्ग्स आर वेरी गुड तो मूवी में
यार अभी आप फिल्म भी देखो थोड़ा सा, सब यही बता देंगे आपको कहानी किसको किसका इंतजार है, टाइटल ही रिवील कर देंगे तो क्या मतलब है। आपने ये फिल्म के किसी का इंतजार है और वो वक्त कैसे निकालना है, कुछ हद तक इसके अंदर है वो सच्चाई कि एक टाइम तेरा इंतजार और वो एक टाइम फ्रेम के अंदर कोई चीज़ होनी है, वो हमारी फिल्म के अंदर सस्पेंस है क्योंकि कोई भी चीज़ या तो समय से पहले होती है या समय के बाद होती है तो उसमें गड़बड़ होती है, राइट। हर चीज़ का जिंदगी में कहते हैं ना इट हैज़ टू हैपन एट द राइट टाइम, सो ऐसे ही कुछ है तो इसमें एक सिचुएशन है जहाँ चीज़ें सही टाइम पे होनी चाहिए तब जाके वो चीज़ सक्सेसफुल होगी, तो वो फिल्म का स्ट्रेस या जो सस्पेंस है वो वहाँ है। हाँ